क्राउड भाई साहब इतना भयंकर। ओहो, बस 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 मोटे बस। और एक ये भी कीमती चीज, इसको भी बैग में भर लेंगे। क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, कैसे नहीं हो आप सब। तो इनका बहुत फेमस डायलॉग है, आप सबने पुराने ब्लॉग में देखा होगा। तो फुल टू फुल इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चालू है? हाँ चालू है। फुल टू फुल इनकी सारी तैयारियाँ कंप्लीट शुरू हो गई हैं। ये यहाँ पे ये मतलब जितना भी मेरे घर के अंदर कीमती कीमती वस्तु हैं वो सब इन्होंने भर लिया इसके अंदर। और एक ये भी कीमती चीज, इसको भी बैग में भर लेंगे। क्या खुश हैं, कहीं जा रही हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों, खुश क्यों नहीं हो भाई? आई हैव माई पर्सनल रीजन। वैसे भी लड़कियों को खुश करना कोई मामूली बात थोड़ी है, इतना ही कर लो खुश थोड़ी हो सकते हो। नहीं पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ और मैं एक ड्रीम ट्रिप है मेरी, मैं वो भी करने जा रहा हूँ। जो आप बने रहोगे तो आपको आने वाले टाइम में जल्दी ही पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, वो भी पता चलेगा। बहुत अल्टीमेट मज़ेदार। तो इनको उधर भेजूँगा और उसके सेकेंड डे मैं दूसरी तरफ निकल जाऊँगा, तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, कुछ ऑफिस का काम भी है वो भी कम्प्लीट कर लूँगा और मैं अपना ड्रीम ट्रिप है वो भी पूरा कर लूँगा। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, कतई जहर वाला। आप बोलोगे भाई क्या कहते हैं जहर, क्या मस्त कर दिया यार, मजा आ गया। अल्टीमेट है, सब चीज़ पहले दिखा देता है, पहले सब्सक्राइब कर देते, लाखों लाख सब्सक्राइबर कर देते हैं, तब कर देना। अब दिखा दिया ना, अब कर देना। ठीक है ना, तो मेरी टाइप कर देना। अभी आते हैं। तो ये मैम ने बनवाया है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ जी, आपका हो गया हो तो कुछ हमारे भी रख लीजिए। दिख रहा है ये सबके अंदर है ना, इन्हीं का है, अपना कोई सामान नहीं है। ये देवी जी ने सब सामान इसके अंदर भर के रखा हुआ है, जितना भी टोटल चीज़ें हैं। जल्दी बताओ यार क्या क्या रखना है। जल्दी, ओके। सुबह के मॉर्निंग का नाश्ता वास्ता बिल्कुल कम्प्लीटली इन्होंने रेडी कर लिया। आज किसी को प्रॉब्लम नहीं उठने में, ना इनको प्रॉब्लम हुई है और ना हो गई डिया को। पिट गई हैं अभी। अच्छा, पिट चुकी हैं, उठने के टाइम पर पिटी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात, मैं बहुत खुश हुआ। पिटती है तो मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। तो जाने होने की तैयारियाँ कंप्लीट है, लगेज देख लेते हैं कहाँ पर रखा गया है, क्योंकि अब वो लगेज तो मेरे हवाले ही है, मेरे को देखना है कहाँ पर जाएगा। तो ये जा रही हैं, जैसा कि सबको आपको पता ही है, इसके अंदर हम दोनों बाप बेटी का सब कपड़े हैं, और ये जो पूरा बैग है ना इसके अंदर सिर्फ उनका ही है, और किसी का कुछ कुछ नहीं रख सकते। तो इसको चलिए बाहर निकाल देता हूँ मैं। घर से निकल गए ये, थोड़ी मुझे अपसेट अपसेट से भी दिख रही हैं, और ये भद्दो जो उधर बैठी हुई हैं इधर, ये बहुत खुश भी हैं। इनको ठंड लगने लग गई है। तो चलते हैं जयपुर स्टेशन, मिलता हूँ मैं आपसे, थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ अभी मैं। इनसे अलावा और किसी के मज़े हैं स्टेशन में बैठ करके और आराम से भसम नारे पानी पी रही हैं। तो जयपुर स्टेशन पर पहुँच गए हैं, ट्रेन में भी काफ़ी टाइम बाकी है, तो उनको ट्रेन पकड़ाएंगे फिर यहाँ से हम भी निकल जाएंगे। बस 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 मोटे बस। हाँ तो बद्दू, आप तो मेरे साथ चलोगी ना घर पे? हाँ, आप पापा के साथ चलो। हाँ, मम्मा को जाने दो, अपन बाद में चलेंगे। हाँ, कहाँ जा रही हो? नाना के घर जा रही हो, अपने घर जा रही हो? नाना के घर जा रही हो? चलिए इनको अंदर चलते हैं स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह लेता हूँ मैं। ऐसा लग रहा है पूरा जयपुर ही छोड़ करके सब के सब जा रहे हैं, इतना क्राउड, इतना क्राउड। फिर लगता है ट्रेन आ रही है, पूरा पैक भरा हुआ है भाई जयपुर रेलवे स्टेशन, पैक बिल्कुल। ये ट्रेन है जयपुर से आगरा जा रही है, अजमेर से आगरा जा रही है। ऐसा क्राउड भाई साहब, इतना भयंकर, पूरा जो क्राउड था इसी पे चढ़ रहा है, टोटल क्राउड इस पे जा रहा है। और इनके ट्रेन निकल गई है, चलता हूँ, मेरे को टिकट वगैरह करनी है फाइनल अपनी, और आगे निकलना है ट्रेन से। मैं निकल रहा हूँ स्टेशन के बाहर। थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो, तो सारा मेरा जाम बिखर गया। उप्स, मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर